हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स को। ओके, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। सो दिस इज बेसिकली पार्ट टू ऑफ दैट वीडियो। सो एंड आल्सो वॉच दैट वीडियो प्लीज, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेके ये सब चीज़ें डिफाइन की हैं। वेरिफिकेशन कैसे होता है, नॉन पोर्टेबल का क्या मतलब है, नॉन रिप्यूटेबल का क्या मतलब है। ओके, सो आज हम इस पर बात करेंगे और इनका भी मतलब समझेंगे कि प्राइवेट की और पब्लिक की को लेकर वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, नॉन पोर्टेबल का क्या मतलब है एंड नॉन रिप्यूटेबल का क्या मतलब है। ओके, सो वॉच दैट वीडियो एंड फर्स्ट रिवाइज करते हैं कि उस वीडियो में क्या देखा था। बेसिकली उस वीडियो में डीप डिस्कस किया था, बट यहाँ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उस वीडियो का। ओके, सो फर्स्ट मान लीजिए ये ए पर्सन है, कोई भी ए है। ओके, एंड दिस इज बी। ओके, इसका कोई मैसेज है एम, कोई मैसेज या कुछ भी मान लीजिए, ये मैसेज है एम। ये क्या करेगा, प्राइवेट की एंड पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर का कॉमन चीज समझ रहे हैं। सो ये क्या करेगा, बेसिकली अपनी प्राइवेट की से, अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। ओके, तो इसने इस मैसेज को लेकर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया। सो हमें क्या मिला, के ए माइनस एम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। प्राइवेट की का मतलब ये होगा कि उसने अपना मैसेज अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया, ताकि कोई उसे डिक्रिप्ट कर पाए उसकी पब्लिक की यूज करके, पब्लिक की यूज करके। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि उसने अपनी प्राइवेट की से मैसेज इनक्रिप्ट कर दिया। सेकंड मान लीजिए ये पब्लिक की है इसकी। ओके, अब पब्लिक की है तो ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। ओके, सो इसको इसकी पब्लिक की पता रहेगी, बट प्राइवेट की पता नहीं रहेगी। ओके, सो प्राइवेट की एंड पब्लिक की इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर प्राइवेट की इनक्रिप्ट करेगी तो पब्लिक की डिक्रिप्ट करेगी, अगर पब्लिक की इनक्रिप्ट करेगी तो प्राइवेट की डिक्रिप्ट करेगी। मैं ये सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। ओके, सो दिस इज इनक्रिप्ट मैसेज। अब मुझे इसे डिक्रिप्ट करना है, मुझे नहीं इस व्यक्ति को इसे डिक्रिप्ट करना है। तो क्या करेगा, वो इस ए की पब्लिक की लेगा, के ए प्लस एंड के ए माइनस एंड दिस इज एम। तो वो क्या कर रहा है, इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है यूजिंग पब्लिक की, क्योंकि मैसेज तो प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड है ना। सो मैसेज तो प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड है, सो वो पब्लिक की का यूज करेगा। सो ये एंड ये चीज कैंसिल एंड एम, सो दिस हैपेंस। ओके, ये होगा। तो प्राइवेट की एंड पब्लिक की कॉम्बिनेशन यूज करके कैसे एक मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है, ये चीज हम समझ चुके हैं। ओके, सो एंड ऑल्सो वॉच दैट वीडियो प्लीज, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो अब समझते हैं कि वेरिफिकेशन का क्या मतलब है प्राइवेट की एंड पब्लिक की के टर्म्स में। मान लीजिए ये ए है एंड ये बी है। ओके, ए ने कोई मैसेज इनक्रिप्ट किया है, मैसेज इनक्रिप्ट किया है अपनी प्राइवेट की से। ओके, प्राइवेट की से। सो इसने अपनी मैसेज प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया है। सो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति इसकी पब्लिक की से इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर पा रहा है,
या जो चाहता है कि ये इंसान मेरी पब्लिक की का यूज़ करके इस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, ओके इसको इसकी पब्लिक की पता है, ये बेसिकली इसको मैसेज को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा उसकी पब्लिक की यूज़ करके, बिकॉज प्राइवेट की से उसने इनक्रिप्ट किया है, ओके सो मैसेज मुझे मिल जाएगा। सो दिस इज़ दी वेरीफिकेशन, ये है वेरीफिकेशन इस मैसेज का कि हाँ ये मैसेज इस ए का ही है, किसी और का नहीं, ओके क्योंकि अगर पब्लिक अगर वो इसकी पब्लिक की से किसी और का मैसेज डिक्रिप्ट करता तो नहीं था। दिस इज दी बेसिक आइडिया, ओके। अब मान लीजिए इसकी कोई प्राइवेट की है, इसने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया कोई मैसेज, तो पब्लिक की इसको पता है, तो बेसिकली इसका मैसेज वो इसे डिक्रिप्ट कर लेगा, ओके। अब मान लीजिए इसको कोई मैसेज इसको भेजना है, ओके सो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, इसने अपना मैसेज लिया, ओके इसकी पब्लिक की यूज की, इसकी पब्लिक की यूज की और इसने इसको भेज दिया, ओके। अब बीच में कोई इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता बिकॉज प्राइवेट की सिर्फ इसके पास है और किसी के पास नहीं, ओके सो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, उसे पब्लिक की से इनक्रिप्टेड हुआ डाटा मिल जाएगा एंड देन वो प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर देगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे ये भी अपनी पब्लिक की को यूज़ करता है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट प्राइवेट की एंड पब्लिक की को समझिए आप। इसमें हमने वेरीफिकेशन समझ लिया कि वेरीफिकेशन अगर किसी ने प्राइवेट की से मैसेज इनक्रिप्ट किया है तो अगर वो पब्लिक उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहा है तो ये वेरीफाइड है कि ये डाटा उसी का है, ओके। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है नॉन फोर्जेबल का क्या मतलब है प्राइवेट की एंड पब्लिक की के टर्म्स में। मान लीजिए ये ए है एंड ये बी है, ओके सो ये मैसेज है, इसने अपनी प्राइवेट की से वो मैसेज इनक्रिप्ट किया, इसके पास पब्लिक की है ही, और एक व्यक्ति और है एबीसी, इसके पास भी पब्लिक की है, ओके इसके पास भी पब्लिक की है, इसकी पब्लिक की तो पब्लिक होती है तो इसके पास भी वो पब्लिक की है, इसके पास भी वो पब्लिक की है, तो इसने एक मैसेज इनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, ओके सो वो मैसेज इसने इसको भेज दिया। अब ये मैसेज इसके पास ही क्यों गया, इसके पास क्यों गया, बिकॉज इसने इसकी पब्लिक की यूज किया, इसने इसकी पब्लिक की यूज किया, तो ये मैसेज इसके पास गया है, ओके ओके सो मान लीजिए ये अटैकर है, कोई भी है, वो इस मैसेज को कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, ओके इसको एडिट करने की कोशिश करता है, तो क्या करेगा, वो एक ही पब्लिक की से इसे डिक्रिप्ट कर दिया, ओके डिक्रिप्ट कर दिया इसने, फर्स्ट डिक्रिप्ट कर दिया, बट अब ये मैसेज अगर ये इसे फॉरवर्ड करेगा एडिट करके तो वो अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, ओके अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, सो वो मैसेज इसके पास पहुंच जाएगा जो कि नॉन फॉर्जेबल होगा, ओके सो फर्स्ट इसने ये इनक्रिप्ट करके इसको भेज दिया बट वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, ओके वो डिक्रिप्ट होगा ही नहीं बिकॉज इसकी पब्लिक की नहीं है ना इसके पास, ओके सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक आइडिया। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीजें, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो इट्स गुड, अगर कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इसकी पब्लिक की भी तो इसके पास हो सकती है, या दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, बट बहुत सारी चीजें हैं, सो हम उनको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके सो नॉन फॉर्जेबल हो गया, नॉन रेप्यूटेबल,
नॉन रेपुटेबल का क्या मतलब है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की के टर्म्स में। नॉन रेपुटेबल का मतलब है कि ए ने मैसेज कोई इनक्रिप्ट किया एंड बी को उसने सेंड कर दिया, और बी ए बोल रहा है कि नहीं वो मैसेज वैसे मैसेज मैंने नहीं भेजा है, वो मैसेज सी ने भेजा है, बट वो मैसेज तो पब्लिक की, इसकी पब्लिक की सटी क्रिप्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये मैसेज आपका ही है क्योंकि ये आपकी पब्लिक की सटी क्रिप्ट हो रहा है। अगर इसने मैसेज मुझे खुद भेजा होता तो आपकी पब्लिक की से नहीं, इसकी पब्लिक की सटी क्रिप्ट होता। ओके, सो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये आप ही का मैसेज है एंड ये आप ही को ब्लॉक करता है। ओके, क्योंकि ये आपकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ नॉन रेपुटेबल। सो आप ये नहीं कह सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते कि ये मैसेज मेरा मैसेज नहीं है। हाँ, वो पता लगती है कि ये इस मैसेज को एडिट कर देता और ये पब्लिक की इस तरह भेज देता, फिर ये इसकी पब्लिक की यूज करके डिक्रिप्ट कर लेता। सो this is another thing we will discuss in some other video. अब एक concept है, अगर मान लीजिए ये मेरा A है and ये मेरा B है। okay, अब हम देखा है कि cryptocurrency में कैसे use होता है, बहुत सारी चीजें included है इसमें भी, but मैं एक basic overview दे रहा हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए इसने कोई मैसेज एम, क्रिप्टोकरेंसी में होता क्या है एम, इसने इसका हैश किया। अगर आपको हैश नहीं पता है तो प्लीज मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, प्लीज वॉच दैट वीडियो। ओके, नॉट वीडियो, देर आर टू और मोर, टू और थ्री वीडियो, सो प्लीज वॉच दैम। इसने इसको हैश किया, इसने इस मैसेज को हैश किया, अब ये मैसेज इसने इसको भेज दिया। ओके, ये मैसेज इसने इसको भेज दिया, अब कैसे वेरीफाई करेगा इस चीज को। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में उसने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया इस मैसेज को एंड देन उसने इस मैसेज को हैश कर दिया। ओके, क्या कर दिया, हैश कर दिया। तो प्राइवेट की से उसने मैसेज एनक्रिप्ट किया एंड देन उसने फिर वापस से मैसेज को हैश कर दिया। हैश कर दिया मतलब कुछ डिजिट साइन में, प्लीज वॉच हैश वीडियो, सो आप समझ जाएंगे कि हैश क्या है एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके, अब बी के पास मैसेज आता है, मैसेज क्या आएगा उसके पास, मैसेज तो ये आएगा, बट जैसा कि हमें पता है इसके साथ ये मैसेज इनक्रिप्टेड मैसेज भी जाएगा। ओके, इसी के साथ ये इनक्रिप्टेड मैसेज भी जाएगा। So, वो क्या करेगा, वो जो उसके पास हैश जा रहा है एंड इनक्रिप्टेड मैसेज जा रहा है, तो कैसे वेरीफाई करेगा कि ये चीज सही भेजी हुई है। तो वो वेरीफाई ऐसे करेगा क्योंकि इसके पास पब्लिक की है और वो इस पब्लिक की का यूज करके इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास इसकी पब्लिक की है। सो वो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करके उसे पता होगा कि ये हैश फंक्शन है मेरा, तो वो इस मैसेज को इस हैश फंक्शन से पास कर देगा, फिर उसे चीज मिलेगी, वो भी हैश होगा। अब दोनों मैसेज अगर सेम होंगे तो सेम हैश होगा, क्योंकि हमें पता है हैश इज अ डिटरमिनिस्टिक थिंग। ओके, सो दिस इज द आइडिया। अगर किसी ने इस मैसेज को छेड़खानी की है, किसी ने एडिट किया है, तो हैश सेम नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द थिंग व्हिच इज यूज्ड इन क्रिप्टोकरेंसीज एंड ब्लॉकचेन। ओके, कैसे एक ट्रांजैक्शन को हम इस सेकंड पर्सन को भेज दिया, वो कैसे वेरीफाई करता है, वो इसी तरह वेरीफाई करता है कि उस हैश के साथ वो मैसेज इनक्रिप्टेड मैसेज भी जाता है, जो वो पब्लिक की यूज करके उसे डिक्रिप्ट करता है एंड देन उस हैश फंक्शन के थ्रू उस मैसेज को पास करता है, उसे हैश बोलता है, फिर दोनों को वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ये दोनों हैश सेम है, सो दिस इज वेरीफाइड कि हाँ ये चीज किसी के थ्रू भेजी हुई है, किसी ने उसे एडिट नहीं किया।
Okay, so this is the basic idea. एक और वीडियो बनाऊंगा मैं पब्लिक की और पब्लिक प्राइवेट की पर, वहां पर मैं समझाऊंगा कि पब्लिक की जब पब्लिक ही अवेलेबल है सो हर कोई मैं तुम्हारा हर कोई किसी का भी मैसेज इनक्रिप्टेड मैसेज डिक्रिप्ट कर सकता है क्योंकि पब्लिक की तो पब्लिक ही अवेलेबल है ना सो वो तो हम तो फिर किसी का भी मैसेज इनक्रिप्ट कर सकते हैं ना सो ये तो कोई भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है सो हम उस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये चीज सॉल्व होती है रिजॉल्व होती है ओके इन दो वीडियोस का मकसद है कि आपको आइडिया देते हैं कि प्राइवेट की एंड पब्लिक की वेरिंग या वेरिफिकेशन कैसे होता है नॉन फंजिबल का क्या मतलब है नॉन डेफिनेशन का क्या मतलब है एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी सॉरी यहाँ पर मुझे क्रिप्टोग्राफी नहीं क्रिप्टो करेंसी लिखना चाहिए था सॉरी फॉर दैट क्रिप्टो करेंसी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग Okay, so that's all for this video. Wait for the next video, jahan par main private key and public key ko lekar aur discuss karunga. So thanks for watching.